छत्तीसगढ़ सीमा के पास वांडोली गांव में 12 से 15 नक्सलियों के डेरा जमाए होने की सूचना के आधार पर आज सुबह 10 बजे गढ़चिरौली से एक ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें 7 C60 स्क्वाड्रन को छत्तीसगढ़ सीमा के पास वांडोली गांव भेजा गया। उस समय उक्त क्षेत्र में दोपहर में भारी गोलीबारी शुरू हुई और देर शाम तक 6 घंटे से अधिक समय तक रुक रुक कर जारी रही। इसके बाद इलाके में अब तक 12 नक्सलियों के शव मिल चुके हैं। साथ ही अब तक 3 AK-47, 2 INSAS, 1 Kaibin, 1 SLR समेत 7 ऑटोमोटिव हथियार जब्त किए गए हैं। मृतक नक्सलियों में से एक की पहचान नक्सलियों दलम प्रभारी DVCM लक्ष्मण अतराम उर्फ विशाल अतराम के रूप में की गई है। गोली लगने से एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और C60 का एक जवान घायल हो गए। वे खतरे से बाहर है और उन्हें नागपुर ले जाया गया है। बता दें, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, महाराष्ट्र राज्य और संरक्षण मंत्री गढ़चिरौली ने उपरोक्त सफल बड़े ऑपरेशन के लिए C60 कमांडो और गढ़चिरौली पुलिस को 51 लाख रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र TV24 के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट, गढ़चिरौली।